थाने के दो परिवार छुट्टियां मनाने गए थे, एक नेपाल एक सिक्किम। दोनों ऐसे भारी हादसों के शिकार हुए कि परिवार का एक सदस्य जिंदा लौटकर नहीं आया। अशोक त्रिपाठी और पत्नी वैभवी वांदेकर का तलाक का केस चल रहा था। अशोक उड़ीसा में रहते थे, वैभवी दोनों बच्चों बेटा धनुष त्रिपाठी और बेटी रितिका को लेकर थाने की इस सोसाइटी में रहती थी। जिस कोर्ट में दोनों का तलाक का केस चल रहा था उसने ये शर्त लगा रखी थी कि दोनों पति पत्नी को तलाक लेने से पहले हर साल 10 दिन परिवार की तरह साथ में रहना होगा। बस इसी के चलते 26 मई को अशोक मुंबई आए थे, पूरा परिवार नेपाल घूमने गया था, जो उनकी जिंदगी का आखिरी सफर बन गया। वैभवी और अशोक ये सेपरेट रहते हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगा या कोर्ट के आदेश से, लेकिन उनको 10 दिन साथ में गुजारने का कोर्ट का डायरेक्शंस है, तो वही हिसाब से वो लोग हर साल 10 दिन बाहर घूमने के लिए जाते हैं। वैसे इस साल वो नेपाल गए थे और भक्तिधाम जा रहे थे नेपाल में। 26 मई को नेपाल के तारा एयर का 22 यात्रियों को ले जा रहा प्लेन सुबह 10 बजे लापता हो गया। शाम 4 बजे हादसे के बारे में पता चला, जिसमें 4 भारतीयों के अलावा 2 जर्मन और 13 नेपाली नागरिक भी सवार थे। सभी 22 लोगों की मृत्यु हो गई। प्लेन का मलबा मुस्तांग इलाके के कोबन में मिला है। ज्यादातर शवों की पहचान करना मुश्किल हो रहा है। फ्लाइट में चालक दल के भी 3 सदस्य थे। विमान 30 साल से ज्यादा पुराना था।